नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम में फरमाया, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचना, अगर इनमें तुम चले गए तो हलाक हो जाओगे। 7 चीजें हैं जो तुम्हें हलाक कर देंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन कौन सी? तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के साथ शरीक ना करना, हलाक हो जाओगे। दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जादू ना करना, हलाक हो जाओगे। हलाक, ओ यार जिसे हुजूर फरमा रहे हैं हलाक हो जाए और बचेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे नंबर पर फरमाया, जिस शख्स के कत्ल करने को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसे कत्ल ना करना, हलाक हो जाओगे। चौथे नंबर पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूद ना कभी भी खाना, हलाक हो जाओगे। हलाक, बड़ी बड़ी दलीलें दी बैंक वालों ने, बड़ा समझाया तो आदि साहब मान गए, मोहतरम मान गए, कहने लगे नहीं जी नहीं, वो कारोबार में लगाते हैं, बड़े भोले वाले हैं, पता सारा है। और देखो सब कामों के बावजूद मुस्तकिल बैंकों में पैसे उस अकाउंट में रखे हुए हैं जहां से मुस्तकिल सूद आता है। हुजूर ने फरमाया, ना करना ये काम। तू कहते मैं सूद पे पैसे लेके कारोबार चमकाऊंगा, तेरे नबी पाक ने तो फरमाया तू हलाक हो जाएगा। तू कहते मैं मिल लगाऊंगा, हुजूर ने तो फरमाया हलाकत है। तू कहते मैं बड़ा कुछ कर जाऊंगा तो हलाकत है। अच्छी तरह समझ ले, असल माल भी जाया हो जाता है उस बंदे का जो सूद का माल मिला लेता है, असल बरकत भी उड़ जाती। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचवें नंबर पे फरमाया, यतीम का माल ना खाना, हलाक हो जाओगे। और फिर छठे नंबर पर नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, कुफर से जहाद हो रहा हो तो कभी पीठ फेर के भागना ना, हलाक हो जाओगे। और सातवें नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेकसूर और बेगुनाह औरत पर तोहमत ना लगाना, बिला वजह बहू के खाते ना कुछ डाल दे। ये 7 वो चीजें हैं जो हलाक कर देंगे।